नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप मुझे टेक्निकल भटनागर से तो खैर अभी जाने हैं, लेकिन मुझे बेसिकली लोग जो जानते हैं वो अभिषेक भटनागर पामिस्ट्री चैनल से जानते हैं, और जो साथ में तीन चैनल और मेरे जो हैक किए गए हैं एक रशियन हैकर द्वारा। पहले तो योगी को बहुत बहुत थैंक यू है कि उसने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया इस इशू पे और मेरे इस इशू को उसने रेज किया, और साथ में गैजेट ऑफ यूज अभिषेक भटनागर का भी है थैंक यू, साथ साथ एनी इन्फो का भी थैंक यू कि उन लोगों ने जो है रेस किया इस इशू को। और एक अंडर कवर पर्सन है हरी सोनी, उसने काफी हेल्प करी अभी तक मेरी इस चीजों में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि पूरा सिलसिला कैसे हुआ, तो मैं आपको पूरा सिलसिलेवार बता देता हूँ कि सिचुएशन क्या थी। एक्चुअली क्या था, कल एक पार्टी में गया था मैं, और जैसे ये फोन है आप देख रहे होगे, ये जो फोन है ये मुझे फॉर्मेट कंडीशन में मिला जब मैं घर आया। एक्चुअली चार मेल मेरे को एकदम से रिसीव हुए कि आपने अपने जो चैनल है उसके ऊपर आपने सेक्सुअल कंटेंट डाला है, और ये चारों मेल मुझे चारों चैनल पे सेम टाइम पे रिसीव हुए। ये जो टाइमिंग था वो था 9:30, 9:40 और 9:45, हर 5 मिनट के बाद ये जो मेल्स थे वो मुझे रिसीव हुए। और उस टाइम में क्या था कि फोन जो थे वो बच्चों के हाथ में थे, जो मेरा जिस फोन से मैं अभी शूट कर रहा हूँ ये वाला फोन जो था वो बच्चों के हाथ में था, तो मैं टाइम भी देख नहीं पाया। मैंने 9:45 बजे के आसपास सारा का सारा जो इशू था वो सारा मैंने कंसिडर किया। अब जब कंसिडर किया तो मुझे लगा कि मैंने तो एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, एस्ट्रोलॉजी मेरी एज हॉबी है और मैं एज ए प्रोफेशन भी उसे करता हूँ, एंड बाय प्रोफेशन तो खैर मैं इंजीनियर हूँ। तो अब मेरे को भी समझ नहीं आया कि यार मैंने तो आज तक कभी भी कुछ ऐसा कंटेंट कभी डाला ही नहीं है कि मतलब जिससे किसी को हार्म हो, या सेक्सुअली कंटेंट तो मैं कभी डाल ही नहीं सकता और ना डाला मैंने कभी भी। फिर तो मैं क्लोजली वॉच करने लगा कि यार हुआ क्या। सडनली मेरा जो फोन था, ये जो J7 Max है, ये जो फोन था इस पर मेरा देखा मैंने कि यार ये फोन फॉर्मेटेड कैसे है। तो वो बंदे ने क्या किया कि इस फोन को एक्सेस किया। अब इस फोन का एक्सेस का ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशन थी जो इंस्टॉल हुई इसमें, या कौन सा ऐसा लिंक था जिसपे बाई मिस्टेक किसी ने क्लिक किया है, या जो भी वट एवर थिंग ऐसी हुई है। क्योंकि ये अभी फोन मैंने इसको कुछ किया नहीं है कि कल को मुझे अगर कोई रिपोर्ट लिखानी पड़े तो एज ए प्रूफ मेरे पास ये फोन जो है वो होना चाहिए। तो मैंने इस फोन को अभी चालू नहीं किया है, ये फोन अभी उसी कंडीशन में है जैसे कि आप जो है वो देख पा रहे होंगे। तो आप में से कई लोग यार कमेंट कर रहे हैं कि मैं सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए ऐसा कुछ कर रहा हूँ। मैं सब्सक्राइबर गेन्स करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ जेन्युइन तरीके से ये सब काम मेरे साथ हुए हैं, और मेरे को क्या जरूरत है, 4,62,000 सब्सक्राइबर्स मेरे पास उस चैनल पर हैं और वो एक अच्छा चैनल है। अभी जो रिसेंटली अपडेट हुआ है वो ये हुआ है कि उस बंदे ने जो चैनल का नेम है वो उसने चेंज करा है। उसने अभी तक दो ही अटेम्प्ट करे हैं, पहले उसने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, और वो कम्युनिटी में पोस्ट करने के बाद योगी और मैंने दोनों ने देखा था, तो उसमें उसका पता ये चला कि उसने लोकेशन USA डाली हुई है, और जबकि उसका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो अपने उस समय कैप्चर नहीं कर पाया, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर वो रशियन भाषा में है, और उसके दो या तीन चैनल हैं जो DIY के हैं, डू इट योर सेल्फ के हैं। तो फिलहाल तो ये है कि उसने कम्युनिटी पोस्ट किया था, और अभी उसने जो है वो चैनल पे नेम उसने चेंज किया। अगर आप वो स्क्रीनशॉट देख रहा हो साइड में, तो उसने नाम जो है वो चेंज कर दिया है। तो और यूट्यूब की जहां तक बात है, यूट्यूब में मैंने आज चैट किया था क्योंकि कई लोगों ने मेरे को बोला था कि तू यूट्यूब में जाके चैट कर, तो मैंने ऑनलाइन चैट किया था। तो वहाँ एक बंदी जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव थी, उसने मेरे को एक तरीके से एक आश्वासन सा दिया था कि भाई मैं आपकी हेल्प करूंगी, और उसका अभी मेरे पास रिप्लाई आया है कि मेरा जो मैटर है वो मैं आपको मैसेज में अभी दिखा दूंगा, कि शायद आपको दिख भी रहा होगा कि उसने मेरे को बोला है कि आपका जो प्रॉब्लम है मैंने यूट्यूब की जो डेवलपर इंटरनल टीम होती है उसको मैंने भेज दिया है। अब मैं होप फॉर द बेस्ट कर सकता हूँ कि कब तक ये सब चीजें मेरे बस में आएंगी, क्योंकि उस बंदे ने चारों जो मोनेटाइज चैनल थे उस पर मेरे को अटैक किया है, और फिलहाल बाय द गॉड ऑफ ग्रेस मेरे एडसेंस जो है वो सेफ है, क्योंकि मेरे एडसेंस जो होते हैं वो हमेशा मैंने अलग रखे हैं, जिससे मैंने चैनल बनाया उससे मैंने कभी एडसेंस को उसके साथ इनेबल नहीं किया। तो ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ, और क्योंकि मैं एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, काफी टाइम समय से मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ, कि जब भी आप यूट्यूब का चैनल बनाएंगे तो प्लीज अपने एडसेंस के अकाउंट को, जो मेन आपका एडसेंस अकाउंट है जिससे आपको काफी अर्निंग आती है, उसको यार हमेशा अलग आप जो है रखें, जिससे नहीं तो आपको दिक्कत होगा, जैसे सामने आप मेरे को हो रहा है।
तो वो आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि YouTube चैनल आप दोबारा बना सकते हो, थोड़ा मेहनत अब पड़ती तो है ही, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो हालांकि मैं बैकअप इस समय अपने सारी वीडियोस का, क्योंकि अभी चैनल जो है उसने बिगाड़ा नहीं है, तो मैं अपनी सारी वीडियोस को डाउनलोड कर रहा हूँ, और एक चैनल मैंने बनाया है एस्ट्रो भटनागर जी, तो अगर आप उसे सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, और बहुत ही जल्दी उस चैनल पे मैं काम करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जब मेरे को चैनल मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं दूसरे नंबर पे, तो जिनको पता चल गया है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, तो वो लोग जो है वो मेरे को बोल रहे हैं कि मतलब वीडियोस बनाऊं मैं। अब हिम्मत नहीं हो रही यार वीडियोस बनाने की, मन नहीं कर रहा, क्योंकि इतना सब कुछ हुआ है तो हिम्मत सी नहीं हो रही कि मतलब कि क्या रिकॉर्डिंग करूं क्या करूं। इसलिए सुबह से आज सब यही देखता रहा हूँ कि कितनी बर्बादी वो चैनल पर कर सकता है। तो आप लोगों ने सपोर्ट किया मुझे, आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, काफी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भी किया हुआ है, तो बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से अपना सपोर्ट कीजिए, और जो वीडियो है पुराना वाला और ये वाला, इस वीडियो को आप जो है वो शेयर कर दीजिए अपने चैनल्स पे, कम्युनिटी टैब्स में। मैं क्रिएटिव कॉमन कर रहा हूँ इस वीडियो को, जिससे किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं किसी तरीके का कोई आपको स्ट्राइक वगैरह देने वाला नहीं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और टेक्निकल पटनागर चैनल को आपका प्यार दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपको कि अपनी तरफ से जो नॉलेज मुझे है वो मैं आपको दे पाऊँ, जो भी अपडेट होगी वो आपको अपडेट करके बता दूंगा।